बेस्ट ईयरबड्स अंडर 2500, कौन से ईयरबड्स आपको लेने चाहिए बीच माई के लिए, गेमिंग के लिए, और अगर आप बहुत म्यूजिक सुनते हो तो उसके लिए। बहुत लोग कमेंट करके बोलते रहते हैं कि भाई TWS बताओ अलग अलग प्राइस रेंज में, तो अभी मैं काफी सारे टेस्ट कर रहा हूँ और सभी टेस्ट करके मैं तभी वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लिया करो। एंड आज की वीडियो होने वाली है बेस्ट ईयरबड्स अंडर 2500 रुपीज। इस प्राइस रेंज में कौन से ईयरबड्स सबसे बेस्ट है, और टॉप 3 ईयरबड्स मैं आपको बताऊंगा जो कि गेमिंग में भी बेस्ट रहेंगे, और अगर आप यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो उसमें भी साउंड क्वालिटी इनकी बिल्कुल बेस्ट है। तो अभी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, एंड अभी फटाफट से कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉप 3rd की, मतलब कि 3rd नंबर पे हमारा कौन सा ईयरबड्स आता है, कौन सा TWS आता है। तो 3rd नंबर पे हमारा जो TWS है वो है यहाँ पे बोट इमोर्टल कटाना ब्लेड, और ये ईयरबड्स ना एक गेमिंग ईयरबड्स है, ऐसा बोट बोलती है, तो बोट का ईयरबड्स है, तो भाई वो लोग तो कुछ भी बोल ही सकते हैं। और रही बात इसकी क्वालिटी की, तो भाई क्वालिटी इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मतलब जो साउंड क्वालिटी है ना, चाहे आप यूट्यूब चलाओ, गेमिंग करो, म्यूजिक सुनो, कुछ भी करो, भाई साउंड क्वालिटी मेरे को एकदम टॉप नॉच लगी। और इसकी थोड़ी स्पेक्स मैं आपको बता देता हूँ, तो 13mm के ड्राइवर के साथ में आता है ये, और अप टू 50 हर्ट्ज तक ये चल सकता है। और सबसे बेस्ट चीज मेरे को इसकी लगी कि जो इसका लुक है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसे इसके नाम में ब्लेड है ना वैसे इसमें से आवाज आती है, और भाई बिल्कुल RGB लाइट्स वगैरह जलती है, और ब्लेड वगैरह की तरह बिल्कुल होता है ये। तो मैंने भाई पिछले 3-4 सालों में ना ऐसा ईयरबड्स कभी भी नहीं देखा, तो बोट वाले भाई इनोवेशन तो कर रहे हैं जरूर से, एंड पता नहीं भाई इसको इनोवेशन बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, लेकिन हाँ भाई बहुत ही अच्छा लुक देता है ये। और अगर आपको हट के चीजें पसंद है ना, तो आपको ये जरूर से पसंद आएगा ये वाला ईयरबड। और भाई क्वालिटी का तो मैं क्या बताऊँ आपको, माइक्रोफोन वगैरह इसका काफी ज्यादा बढ़िया है, बस इसमें ना 50ms की लेटेंसी देखने मिलती है, तो गेमिंग में मेरे को एक दो बार ऐसे फील हुआ कि थोड़ा डिले हो रहा है, बट अगर आप इसको लोगे ना और रेगुलरली खेलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डिले आपको फील नहीं होगा। और इसका प्राइस अभी चल रहा है 2000 रुपए, एंड कम ज्यादा भी शायद से होता रहता है, मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि इसका प्राइस कम ज्यादा होता रहता है, तो पता नहीं क्या होगा। तो प्राइस आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो ये था हमारा 3rd नंबर का ईयरबड, एंड अभी बात करते हैं अपने 2nd नंबर के ईयरबड्स की। तो 3rd नंबर पे जो हमारा ईयरबड्स आता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी बड्स T300, एंड ये ईयरबड्स ना सही में मेरे को तो बिल्कुल बेस्ट लगे, लेकिन तभी मैं इसको 2nd नंबर पे रख रहा हूँ। अब वो क्यों रख रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन भाई वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स आज तक के मेरे को ये लगे। और इसमें आपको 12.4mm का बेस बूस्टर ड्राइवर्स देखने मिलेंगे, और साथ ही साथ में 3D स्पेशल ऑडियो भी देखने मिलेगी, और 30 डेसिबल्स की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने मिलेगी, और इसका प्लेबैक हार्स है 40 हर्ट्ज तक। तो स्पेसिफिकेशन देख के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या ही है ये ईयरबड्स, बहुत ही खतरनाक होंगे फिर तो, और बिल्कुल सही बताऊं ना तो बहुत ही खतरनाक ईयरबड्स है ये। बीच में मेरे को बिल्कुल भी डिले देखने नहीं मिल रहा था, मतलब एक बार ना मेरे को फील नहीं हुआ, मैं बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन बीच में कहीं भी मेरे को डिले देखने नहीं मिला, माइक वगैरह प्रॉपर से वर्क कर रहा था, लेकिन मेरे को ना इसकी माइक की क्वालिटी थोड़ी बेकार लगी कॉल्स वगैरह पे, और गेमिंग में तो ठीक ठाक लग रही थी लेकिन कॉल्स वगैरह पे ना सही नहीं लग रही थी, तो इसी वजह से मैं इसको 2nd नंबर पे रख रहा हूँ। और बाकी तो चाहे आप म्यूजिक सुनो या फिर यूट्यूब चलाओ इसके साथ में, या फिर अपनी बाबू के साथ में कॉल पे लगे रहो 5 घंटे तक, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है, और साउंड क्वालिटी भाई बिल्कुल टॉप की है। और ये ईयरबड ना मेरे एक सब्सक्राइबर के पास में है, तो उनका एक रिव्यू भी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने एक बार ऐसे किया था कि ना पानी में लेके चले गए थे, और तब इसका ना एक काम करना बंद हो गया था, मतलब 2-3 दिन तक वो काम ही नहीं किया ऐसे वो बता रहे थे, और उसके बाद में वो काम करने लगा, एंड जबकि इसमें ना IP55 की रेटिंग मिलती है, तो पता नहीं क्या ही सीन है इसका भाई। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर आप ये वाला लेते हो ना तो आपको साउंड में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पानी में लेके जाओगे ना तब आपको दिक्कत जरूर से हो सकती है, और मेरे हिसाब से तो कोई भी पानी में लेके नहीं जाएगा। तो मैं आपको फुल रिकमेंड करूंगा कि भाई ये वाला ना जरूर से ले सकते हो। बाकी जो मैंने आपको माइक का बोला ना उसमें आपको इतनी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, और इसका प्राइस आपको 2500 के आसपास ही पड़ेगा, देख लेना चेक करके, हो सकता है कि 100 रुपए कम या ज्यादा देखने मिले। तो ये था हमारा 3rd नंबर का ईयरबड्स, और ये वाला भाई मैं फुल रिकमेंड करूंगा अगर आप BGMI के लिए लेना चाहते हो। और बाकी अभी बात करते हैं अपने सबसे बेस्ट ईयरबड्स की, यानी कि टॉप 1 ईयरबड्स की। तो 1st नंबर पे जो हमारा TWS आता है ईयरबड आता है वो है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord Buds 2, और इसमें आपको 12.4mm के डायनामिक ड्राइवर्स देखने मिलेंगे, और प्लेबैक टाइम है इसका अप टू 36 हर्ट्ज तक, और इसमें भी आपको IP55 की रेटिंग मिलेगी, और साथ ही साथ में 25 डेसिबल्स का मतलब कि 25 डेसिबल्स का ANC मिलेगा। एंड सही बताऊं ना तो इसकी भाई यहां पे जो साउंड क्वालिटी है ना वो मेरे को सबसे बेस्ट लगी, मतलब ये 3 ईयरबड्स मैंने आपको बताए और ये तीनों ही बेस्ट है, एंड मैंने ना कम से कम नहीं तो 8 या 9 ईयरबड्स यूज करे होंगे अंडर 2500 रुपीज में, और इस प्राइस रेंज में मेरे को ये वाला सबसे बेस्ट लगा Nord Buds 2, एंड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव फील भी ये देता है, मेरे पास है ये ईयरबड्स, एंड बीच में भी वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैंने TDM वगैरह ये जो गेम प्ले किया है ये इसी के साथ में किया है, और विदाउट डिले ना यहाँ पे आवाज आती है, कोई भी दिक्कत मेरे को इसमें महसूस नहीं हुई। एंड इसमें आपको ना फाइंड माई बर्ड्स का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो अगर आप कभी रख के भूल जाओ तो
फाइंड माई बर्ड्स का कर सकते हो। एंड बाकी तो भाई इसकी साउंड क्वालिटी का मैं क्या क्या बताऊँ, मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा। बीच माई में बिल्कुल बेस्ट है, मतलब की फुट स्टेप वगैरह बहुत ही अच्छे से आते हैं, गन साउंड कहाँ से फायरिंग हो रही है सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से सुनाई देगा। और शुरू में मेरे को ऐसे लगा था एक मैच में कि इसकी ना साउंड थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन उसके बाद मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो भाई सब कुछ ना टाइम पे होता है, जितना ज्यादा आप यूज करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि कोई प्रोडक्ट कैसा है। तो सबसे बेस्ट चीज मेरे को इसमें दो लगी कि एक तो इसमें डिले बिल्कुल भी फील नहीं होता है गेमिंग के टाइम पे, एंड म्यूजिक वगैरह में तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, म्यूजिक बहुत ही अच्छे से आप सुन सकते हो, यूट्यूब भी बहुत ही बढ़िया से चला सकते हो, एंड डिले की आपको ना एज सच कहीं से भी दिक्कत देखने नहीं मिलेगी। और सेकंड चीज मेरे को इसका माइक काफी पसंद आया, मतलब कि बाकी ईयरबड से कंपैरिजन करने में काफी बढ़िया इसका माइक है। एंड बाकी ये ईयरबड्स ना काफी एक्सपेंसिव फील देते हैं, तो और तो मैं क्या ही बताऊं, और मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, तो मैं यही वाला रिकमेंड आपको सबसे ज्यादा करूंगा। एंड मैं सही बता रहा हूँ, एक बार भरोसा करके आप ये वाला ले लो एंड फिर थैंक्स ही लिखोगे आपकी, इतना ज्यादा बढ़िया ईयरबड्स है। एंड इसका प्राइस आपको देखने मिलेगा 2600 रुपए ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना सही में बिल्कुल वर्थ इट है। तो लिंक आपको तीनों ही ईयरबड्स की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप कोई सा भी ले सकते हो। एंड बाकी यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सर उसे सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।